तो चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो की तरफ। पहले मैं इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर दोनों को पढ़ूंगा, फिर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या करना चाहिए। ठीक है, अशकाल में सबसे पहले जाएंगे आप, तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही होगा कि सेम ही अबाउट योर सेल्फ, योर क्वालिफिकेशंस एंड प्रोजेक्ट। अशकाल में आपको ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, तो ज़्यादातर क्या एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है अशकाल में, तो सबसे पहले वो आपसे आपके बारे में पूछेगा, क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछेगा, और ये आपसे पूछेगा कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो इस पर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या इस पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने अपने बारे में कैसे बताना है और क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में, वो सब अबाउट योर सेल्फ में इंक्लूडेड होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में जम्प करते हैं। लेट्स से यू आर वर्किंग बिसाइड पब्लिक रोड, सो व्हाट विल बी योर एक्शन प्लान टू कंट्रोल द रिस्क इन्वॉल्व। क्वेश्चन ऐसे है कि फर्ज करते हैं कि आप पब्लिक रोड के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सा एक्शन प्लान होगा कि आप रिस्क जो भी है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे वो कहना क्या चाहता है कि ये तो इसका एक हिस्सा तो ये होगा कि आप काम कर रहे हैं पब्लिक रोड के साथ ही। ठीक है, तो उसके बाद आपने एक एक्शन प्लान बनाना होता है, जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उस एरिया के रिलेटेड, पब्लिक रोड के साथ कौन कौन से रिस्क या खतरे हो सकते हैं काम करने में, वो आपने बताने हैं कि आपका एक्शन प्लान टोटली क्या होगा, आपका प्लान क्या होगा, मनसूबा क्या होगा, जितने भी खतरे हैं उन पर काबू करने के लिए। तो इसका आंसर ये होगा कि वी कैन फॉलो एज अ गाइड QCS 2014 एंड WZTM वाइल प्रिपेयरिंग ओवर HSC प्लान प्रोसीजर्स मेथड स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, हम उसे बोलेंगे कि हम रहनुमाई लेंगे QCS 2014 और WZTM से, जब हम HSC प्लान से हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान प्रोसीजर और स्टेटमेंट्स वगैरह रिस्क असेसमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे। वी रिस्पेक्टफुल फॉर पब्लिक पीपल, हमें रिस्पेक्टफुल रहना है पब्लिक पीपल के साथ, क्योंकि पब्लिक रोड के साथ काम कर रहे हैं तो इंटरेक्शन हो सकता है या हो सकता नहीं, होगा डेफिनेटली अगर आप काम कर रहे हैं पब्लिक रोड के साथ, तो हमने उनसे इज्जत से पेश आना है और उन्हें हमने वी मस्ट गिव सेफ एक्सेस एग्रेस टू देम टू दे हैंड्स टू रीच देयर होम सेफली। हमें उन्हें एक्सेस और एग्रेस के लिए सेफ़ प्लेटफार्म मुहैया करना है, सेफ़ रोड्स वगैरह मुहैया करनी है ताकि वो अपने घरों तक या अपने काम वगैरह तक सेफली पहुँच सकें। ठीक है, जहाँ भी हम काम करेंगे उस एरिया को डेजिग्नेट करा करके, तो उन पब्लिक जो रोड वगैरह है एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसको हम सेफ बनाएंगे पब्लिक के लिए। वी मस्ट बी केयरफुल टू नॉइज डस्ट वाइल डूइंग अवर टास्क वर्क, मस्ट बी रेगुलर डस्ट सेपरेशन नॉइस कंट्रोल, प्रॉपर वार्निंग साइनेज बैरिकेड पेडेस्ट्रियन वॉकवेज शैल बी प्लेस फॉर अटेंशन ऑफ पब्लिक पीपल, रिफ्लेक्टिव टेप्स एंड फ्लैशिंग लाइट्स शैल बी प्लेस फॉर विजिबिलिटी ऑफ नाइट शिफ्ट। देखें दोस्तों, अगर आपने IGC 2 को अच्छे से पढ़ा हो तो सेकेंड चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, आपको क्लियरली ट्रांसपोर्ट के बारे में सब कुछ जो क्लियरली आपने स्टडी किया था, तो वही चीज़ इसमें आपने इंक्लूड करनी है कि आपने वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉपर PPE में रखना है और जो उनके उनकी क्लास वगैरह हों वो क्लियरली विजिबल हों लॉन्ग एरिया से, लॉन्ग डिस्टेंस से, ताकि पब्लिक रोड पे जो लोग ड्राइव कर रहे हैं तो वो इजीली विजिबल कर सकें कि आगे कोई शख्स है जो काम वगैरह कर रहा है। इसके अलावा फ्लैशिंग लाइट्स होनी चाहिए और प्रॉपर बैरिकेशन होनी चाहिए, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज को डिफरेंट रखना चाहिए, वार्निंग साइनेज वगैरह जो हैं तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ शोर शराबा ना हो, काम के दौरान जो भी डस्ट वगैरह है तो उनको हमने कंट्रोल करना है, और फिर से मैं रिपीट करता चलूँ कि सेफ़ एक्सेस और सेफ़ एग्रेस होनी चाहिए। दो क्वेश्चन हमारे हो चुके। तीसरा क्वेश्चन, हाउ फार यू विल प्लेस बैरियर्स अवे फ्रॉम एन एक्सकवेशन, के एक एक्सकवेशन एक खुदाई से आप कितनी दूर तक अपने बैरियर रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरे नंबर पे। तो वी कैन प्लेस इंटरलॉक बैरियर मिनिमम 1.2 मीटर 1.5 मीटर फ्रॉम एज ऑफ एक्सकवेशन विद रिफ्लेक्टिव टेप एंड फ्लैशिंग वार्निंग लाइट्स।
जहां हम खुदाई कर रहे हैं वहां से 1.2 मीटर, और 1.2 मीटर से 1.5 मीटर, 1.3 मीटर भी हो सकता है, 1.4 मीटर भी हो सकते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकवेशन जहाँ से खुदाई होना स्टार्ट हुई है, उसको प्लेस करेंगे, बैरियर्स को प्लेस करेंगे, इंटरलॉक बैरियर को प्लेस करेंगे। साथ में जो इंटरलॉक बैरियर्स होंगे वो रिफ्लेक्टिव टेप और फ्लैशिंग वार्निंग लाइट के साथ होने चाहिए। तो इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 2 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक हो गया। अभी तीसरा जो क्वेश्चन है, इफ़ यू विटनेस एन अनसेफ प्रैक्टिस एक्ट व्हाट विल बी योर एक्शन। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा वाक़या आता है जहाँ अनसेफ है, रिस्क इन्वॉल्व है, हैज़र्ड है, तो आपका क्या एक्शन होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में। लेट्स सपोज एक वर्कर काम कर रहा है और उसने वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, लेकिन प्रॉपर सेफ जो सिस्टम ऑफ वर्क है वो फॉलो नहीं किया, तो प्रॉपर पीपी वगैरह के साथ काम नहीं कर रहा, तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा, एक्शन प्लान नहीं सॉरी आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है। आई कैन सस्पेंड द अनसेफ एक्टिविटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई ऑपरेशन ऑन गोइंग अनसेफली। ठीक हो गया। ऑल्सो वाई ऑपरेटिव्स एंड डूइंग सॉरी वाई ऑपरेटिव्स आर डूइंग अनसेफ एक्शन, वट इज़ द रूट काज, is it happened for behavior of operatives or unsafe condition etc. when I understood and identify the problem I have to solve it either same time at the site with foreman or engineer or manager whatever. if it is basic or I have to solve with management but I cannot allow work will continue. अगर कोई अनसेफ एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ सबसे पहले एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपका एक्शन यही होगा कि आप जो अनसेफ एक्टिविटी है उसको फौरी तौर पे स्टॉप करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनसेफ एक्टिविटी क्यों हो रही थी। ठीक है। इसमें कौन इन्वॉल्व था, जो वर्कर काम कर रहा है वो इन्वॉल्व था या उससे जो काम करवा रहा है वो इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, या जो रूट काज क्या है, मेन रूट काज हो सकता है कि जिस जगह वो काम कर रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा वो काम करने वाली लोकेशन ऐसी हो कि जहाँ वो सेफ सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता या सेफ्टी वगैरह को नहीं फॉलो कर सकता, उसको ब्रीच करना यहाँ पड़ रहा है सेफ्टी का जो भी सिस्टम है। ठीक है। समझने के बाद मेरी कोशिश होगी कि पहले जो सुपरवाइज़र है या उसका उससे जो काम करवा रहा है उसको जाके बताऊँ कि सेफ्टी के बगैर काम नहीं हो सकता कंटिन्यू, आप सेफ्टी को लाजमी फॉलो करें हर हाल में। तो अगर इशू छोटा है तो छोटे लेवल तक मैं रखूँगा, अगर इशू बड़ा है तो जाहिर सी बात है बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड वगैरह हैं या मैनेजर्स वगैरह हैं उनसे मैं डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट 3 भी आएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching.